हैरान कर देगी इन पक्षियों की आपको ये बातें। जी हाँ गैस, आप लोगों ने हमारे चैनल पे देखा कि कौओं से लेकर जो है ना रहस्यमयी कुछ बातें। तो आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौआ अगर सुबह सुबह होते ही प्रथम मतलब सुबह सुबह होते ही अगर कौए की आवाज़ आपको अगर सुनाई दे तो इसे घर में किसी अतिथि के आने की सूचना माना जाता है। दिन के दूसरे पहर यानी कि शाम में कौए को आवाज़ आए तो माना जाता है कि व्यापार में लाभ होगा। लेकिन अगर हम बताते हैं अगर सुबह सुबह में दक्षिण दिशा में कौए की अगर आपको आवाज़ सुनाई दे तो इसका अर्थ होता है कि इससे आपके घर में लाभ होने वाला है या फिर आपको लाभ होने वाला है या फिर आपके बिजनेस पे लाभ होने वाला है। दोपहर में अगर सुनाई दे कौवे की आवाज़ तो आपको एक अच्छे पद की प्राप्ति होती है। लेकिन शाम में या फिर इसको बोला जा सकता है तीसरे पहर या फिर चौथे पहर अगर ये कौवे की आवाज़ आपको मिले तो इसका मतलब यह है कि खराब संदेश होता है। जी हाँ, कुछ खराब संदेश प्राप्त होने वाला होता है। अगर एक स्थान पर बहुत से कौवे इकट्ठे हो जाए तो इसका अर्थ होता है कि कोई ना कोई विवाद होने वाला है। पर बहुत से कौवे इकट्ठे हो जाए तो विवाद का कारण कुछ और भी हो सकता है, जैसे उस जगह पे कोई भी जहरीले प्राणी वहाँ पे मौजूद है। वर्षा ऋतु में अगर कौवे के झुंड अगर बिना आवाज़ करे अपने घोंसले में लौटने लगे तो इसका अर्थ होता है कि तेज वर्षा होने वाली है। घर में बहुत सारे कौओं का बैठना मृत्यु का जो है कष्ट दे सकता है। चलते हुए सिर पर अगर कौआ का स्पर्श अगर होता है तो इसका अर्थ होता है स्वास्थ्य और वायु के लिए इसका अच्छा मतलब माना नहीं जाता है। ठीक है, रात में अगर कौआ बोले दिन में गिदड़ बोले तो अवश्य ही इसका कोई बड़ा उपद्रव होगा। जी हाँ गाइस, यहाँ पे जो है ना कौवे से लेकर बहुत सारे शुभ और अशुभ संकेत जो है ना कौवा हमारे जीवन में देता ही रहता है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और जो भी सगी संबंधियाँ हैं आपके उन तक इन बातों को ज़रूर पहुँचाइए। नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कौवे को लेकर क्या महसूस किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ गाइज़। बाय बाय।